लेकिन बतौर वजीर सेहत आपकी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं थे, तो क्या वजह है? यही वजह है जिसकी वजह से आप डीएक्टिव थे पार्टी में और आज आपने ये ऐलान किया है? ये मैं जवाब एड्रेस करूँ। मैं कितनी दफ़ा वजीर बनाऊँ? सदाबार कह लें। मैं 3 बार वजीर बनाऊँ भाई। मैं वजीर माहौलियात भी रहा हूँ, मुझे फ़ख्र है वहाँ बैठ के। मैंने मेरिट पे लोगों को नौकरियाँ दी हैं जो उस पूरे टेन्योर में इनके अलावा और शायद कोई एकाद हो, कोई नहीं कर सका। मुझे फ़ख्र है आज इस बात पर, मुझे फ़ख्र है मेरी टीम ने वहाँ बैठ के सर्विस दी है, लोगों को रोज़गार पे लगाया, लोगों को काम पे लगाया है, मेरिट पे लगाया है। मैं 3 दफ़ा वजीर रहा हूँ शफकत, 3 दफ़ा वजीर रहा हूँ। 1 दफ़ा वजीर सेहत हुआ भाई, फेल हो गया। मिसाल सही है भाई, फिर क्यों बना दिया भाई? नाखुश थे ना, नहीं बनाना था ना, इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं देना था ना, क्यों दे दिया? क्यों? अरे सवाल ये आपसे नहीं है, सवाल आपसे नहीं है। मैं कहता हूँ कि क्यों बना दिया, मैं ये कह के भी गुजर सकता हूँ, मेरे पास इसके बड़े जवाब हैं। मैंने उनको रोका था। अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कौन है? आप मुसलमान है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही है ना? तो ये कैसा सवाल है कि राह का हक का फैसला अल्लाह ही दिखाएगा? हाँ, गलत फैसले, गलत बदी का रास्ता शैतान का ठेका है, वो दिखा देगा। अच्छा, मुतदा में रहने वालों के लिए ये कहा जाता है कि जो मुतदा से जाता है तो कहा जाता है जो कायद का गद्दार है वो मौत का गद्दार है। आप क्या समझते हैं, आपका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नहीं कामरान, पहले ये बताओ भाई, ये कंफ्यूजन क्या है? ये बताओ, हाँ मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे खुशी है कि मैं वो बातें जो मेरे अंदर थी, वो बातें जो मैं सोचता था, वो बातें मैं आज कर रहा हूँ, और मुझ पर किसी किस्म का दबाव प्रेशर नहीं है। मैं इतनी करेज रखता हूँ और मैं बिल्कुल क्लियर आदमी हूँ। क्लियर से मुराद कि मेरी जिससे अच्छी बात होगी उससे अच्छी बात होगी उससे मैं बात करूँगा, जिससे नहीं होगी उसको पता होगा कि आपसे बात नहीं कर रहा। ये मैं बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है कि ये जो नारे आप बात कर रहे हैं, ओ भाई बहुत साल गुजर गए यार ये बातें होते हुए, ये 20वीं सदी 21वीं सदी है भाई। यहाँ पर खुदा के वास्ते लोगों को अच्छे काम पे लगाओ, लोगों को अच्छाई की तरफ लेकर आओ। लोगों को अगर ये ट्रेंड कि यार किसी का मत्था घूम गया तो वो ठोक देगा, किसी का मत्था घूम गया तो ये कर देगा, मेरी वसीयत ये है ये हो जाए तो उसको मत छोड़ना, उस ये हो जाएगा तो इसकी हड्डियाँ भी कब्र से निकाल लेना, ओ भाई नहीं यार नहीं, ये एक मिनट जवाब। अल्लाह ताला है, उसको मंजूर होगा तो मुझे कब्र मिलेगी, उसको जी देता हूँ। उसको ये सब वो बातें हैं जो उसका बात ये है कि मैंने देखा है लोगों को बेगोरो कफन, लोगों को मरते देखा है। मैंने अभी हीट वेव गुजरी है, लोग पैसे लेके शहर में फिरते थे, कब्रिस्तान नहीं थे, दफना नहीं। मेरे जवाब पूरा नहीं दे, मैंने देखा है लोग ये सब अल्लाह की तरफ से होता है कि किसी को कभी कफन भी नहीं मिलता, किसी को लाखों करोड़ों लोग उसके जनाजों में आ जाते हैं, किसी को कोई बेनामो निशानी दुनिया से चला जाता है। ये सीधी सी बात जी नहीं, वो आज की रूमर थी कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना? एक बात, दूसरी बात ये है कि
मेरी किसी से इस मौजू पर कभी बात नहीं हुई, माहौल ही नहीं है। एक बात तो ये, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने जिस तरह कहा कि भाई गालियां कम पड़ेंगी और लोग इतने आएंगे, मैं इस बात पर डटा हुआ हूँ, इस बात पर, और ना भी आए। बात यह है कि जो काम है वो चलेगा, लोग आएंगे। और भाई बात ये करना चाहता हूँ अपना नासिर खुर्रम, सॉरी खुर्रम, ये बात मैं करना चाहता हूँ कि भाई ये क्यों सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन अगर किसी बेज़मीर को, किसी ऐसे शख्स को जिसको अपनी गलती का इदराक नहीं है, तो भाई मुझे नहीं पता, मुझे कम से कम ऐसे किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ।